हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.6। बेटा ये कंप्लीट एक्सरसाइज सर्कल पे बेस्ड है, वृत्त पर आधारित है। तो सबसे पहले जानते हैं सर्कल कहते किसे हैं, वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो बेटा सर्कल ये है। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है बना हुआ, इसे कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बेटा वृत्त की परिधि। ठीक है, अब सबसे पहले जानेंगे सेंटर किसे कहते हैं। सरल शब्दों में समझेंगे, आपके स्तर पर ही समझाती हूँ। बेटा किसी भी सर्कल का जो बीच वाला पॉइंट है, बीच वाला, ठीक है, उसे कहते हैं बेटा सेंटर या केंद्र कहते हैं। मैंने इसे किससे बताया? ओ पॉइंट से बता दिया। ठीक है, अब बेटा जानेंगे रेडियस किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं। तो बेटा सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का ये जो डिस्टेंस है बेटा, इसे कहते हैं रेडियस। केंद्र से लेके वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है बेटा, उसे त्रिज्या कहते हैं। इसे मैंने किससे बताया बेटा? इसे बताया मैंने आर से। ठीक है, अब बेटा हम जानेंगे डायमीटर किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं। बेटा सबसे पहले हम इंग्लिश में समझेंगे डायमीटर क्या होता है। कोई भी सर्कल है बेटा, उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है, उस सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंटों को आपस में मिला दो, किससे? लाइन सेगमेंट से। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस, इसके ऊपर ए और बी दो पॉइंट है, उसे बेटा मैंने लाइन सेगमेंट से मिला दिया। लेकिन ये लाइन सेगमेंट कहाँ से जाना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए, सेंटर से ही जाना चाहिए। तो बेटा हम इसे क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। ठीक है, अब हिंदी में समझते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित इन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर रेखाखंड से मिला दिया जाए, और वह रेखाखंड कहाँ से जाए? केंद्र से होकर जाए, तो वह रेखाखंड व्यास कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ए बी को बेटा हम क्या कह सकते हैं? हम व्यास कह सकते हैं, डायमीटर कह सकते हैं। अब बेटा आप सोच के बताओ, क्या मैं इसको डायमीटर कह सकती हूँ? ये मैंने बना दिया। ठीक है, हाँ मैं कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सरकमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंट से बेटा ये लाइन सेगमेंट सी डी जा रहा है, और बेटा अनिवार्य रूप से सेंटर से भी पास हो रहा है। तो सी डी भी क्या हुआ? डायमीटर हुआ, व्यास हुआ। ठीक है, अब कॉर्ड किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं। तो बेटा किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, और बेटा उन्हें क्या करो? मिला दो एक लाइन सेगमेंट से। ठीक है, इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। अब बेटा हिंदी में समझते हैं। किसी भी वृत्त की परिधि पर किन्हीं तो बिंदुओं को किसी रेखाखंड से यदि मिला दिया जाए, तो बेटा वह जो रेखाखंड होता है वो क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं इसे क्या कह रही हूँ? मैं इसे डायमीटर कह रही हूँ, व्यास कह रही हूँ। कह रही हूँ ना, जो बेटा सेंटर से जा रहा है व्यास है। तो बेटा एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, सबसे बड़ी कॉर्ड को क्या कहते हैं? ये भी बेटा है तो कॉर्ड ही, लेकिन जा कहाँ से रही है? सेंटर से जा रही है। ये भी बेटा जीवा ही है, लेकिन केंद्र से जा रही है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है, तो बेटा आप क्या बताएंगे? डायमीटर है।
सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? तो आप बताएंगे व्यास को बेटा सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। अब बेटा हम जानेंगे सेक्टर किसे कहते हैं, त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। बेटा इसे कहते हैं, ठीक है, ये सर्कल की रेडियस और ये बेटा उनके करस्पॉन्डिंग आर और इनके बीच का एरिया वो कहलाता है सेक्टर। हिंदी में समझते हैं वृत्त की त्रिज्याओं और बेटा उनके संगत चाप के बीच घिरा भाग क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, अब जानते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है बेटा, कॉर्ड कहलाती है और ये क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग आर्क है। ठीक है, कॉर्ड और बेटा उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया है उसे क्या कहोगे, उसे बेटा सेगमेंट ऑफ सर्कल कहोगे। वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप के बीच घिरा हुआ भाग वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, अब बेटा सरकमफेरेंस क्या होती है, परिधि किसे कहते हैं, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल वो क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है। डिस्टेंस अराउंड द सर्कल वो कहलाता है सरकमफेरेंस। तो ये बेटा क्या हो गई, ये पूरी आपकी हो गई सरकमफेरेंस। वृत्त के अनुदिश, वृत्त बेटा ये है आपका, उसके अनुदिश बेटा ये पूरी जो दूरी है इसे कहते हैं बेटा परिधि। अब बेटा हम जानेंगे सेमी सर्कल क्या होता है, अर्धवृत्त किसे कहते हैं। वृत्त को बेटा आधे हिस्से में बांट दो, किसी भी सर्कल को बेटा दो भागों में बांट दो। ठीक है, तो हर एक भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। एक कंप्लीट सर्कल बेटा उसे दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो दो आधे आधे सर्कल बन जाएंगे, बनेंगे दो आधे। हर आधे सर्कल को बेटा सेमी सर्कल कहा जाता है, अर्धवृत्त कहा जाता है। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन में ये सर्कल दे रखा है, आपसे ये बातें पूछी है। सबसे पहले पूछा है द सेंटर ऑफ द सर्कल, वृत्त का केंद्र कौन सा है। तो बेटा कौन सा है, इस सर्कल में सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, अब बेटा आपसे तीन रेडियस पूछी है, तो कौन कौन सी है बेटा, एक है OC, दूसरी है OB और तीसरी बेटा OA है। लिख देते हैं, OC है, OB है और बेटा OA है। अब बेटा आपसे डायमीटर पूछा है, व्यास पूछा है, तो बेटा AC क्या हो गया, डायमीटर। AC डायमीटर है, व्यास है। अब बच्चों आपसे कहा है कॉर्ड बताइए, जीवा बताइए, तो बेटा ED क्या होगी, जीवा होगी, कॉर्ड होगी। आंसर क्या हुआ बेटा, ED। अब बेटा आपसे कहा है टू पॉइंट इन द इंटीरियर, अभ्यंतर में दो बिंदु बताइए। बेटा सर्कल के अंदर दो बिंदु हैं, उन्हें हमें बताना है। एक बेटा O है, दूसरा बेटा P है। आंसर क्या हो गया, O एंड P। आगे चलो, बेटा आपसे कहा है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, बहिर्भाग में एक बिंदु है। बेटा आपसे कहा है सर्कल के बाहर एक बिंदु है, वह बताइए कौन सा है बेटा, Q। लिख दो, आंसर क्या हुआ बेटा, Q। अब बेटा हमें सेक्टर बताना है, त्रिज्य खंड बताना है। बेटा ये वाला एरिया कौन सा, OAB। तो लिख देते हैं द सेक्टर इज OAB, त्रिज्य खंड कौन सा है, OAB। ठीक है, अब बेटा सेगमेंट बताना है, वृत्त खंड बताना है। बेटा ये वाला एरिया ED। ठीक है, तो अ सेगमेंट
सेगमेंट इज ईडी, वृत्तखंड ईडी। इस तरह से बेटा सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं।